हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑलवेज़ टुगेदर। आज हम बनाने जा रहे हैं रिजगार्ड की सब्ज़ी, जिसे हम तुरई कहते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक तुरई है ये। इसको हम अच्छे से इस तरह से काट लेंगे। मैंने दो लार्ज और पोटैटोज़ और तुरई लिया है। दोनों को हम इस साइज़ में काट लेंगे। अब हम इसकी रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 2-3 टेबल स्पून ऑयल, और एक ऑयल गर्म होने के बाद हम एक लार्ज ऑनियन डालेंगे, और जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम उसको अच्छे से पकाएंगे। जब हमारी ऑनियन थोड़ी सी नरम हो जाएगी, अब इसमें हम कोरिएंडर और हमारे मेथी लीव्स डालेंगे बारीक चॉप करके। मेथी लीव्स से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे ज़रूर डालिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जब तक इसका कच्चापन नहीं जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अच्छे से इन तमाम मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। जब तक इन मसालों की कच्ची बास ना चली जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे वॉश किए हुए वेजिटेबल्स। इसी पे हम हमारा नमक डालेंगे। आप नमक अपने टेस्ट अनुसार डालिए, और इसको मिलाकर 5 से 10 मिनट तक आधा कप पानी डाल के पकने के लिए रख दीजिए। जब तक हमारे आलू थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसको पकाएंगे। जब हमारे पोटैटोज और तुरई सॉफ्ट हो जाती है तब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम इस तरह से देखिए, इस तरह से दूर दूर करके अंडे डालेंगे। इस तरह से हम 5 से 6 अंडे ले रहे हैं दोस्तों। आप जितने चाहिए, आपका नाश्ता कितना बन रहा है आप उस हिसाब से अंडे लीजिए। उसको दूर दूर इस तरह से डालिए, और थोड़ा नमक और चिली पाउडर या फिर पेपर पाउडर से ऊपर स्प्रिंकल करके थोड़ा धनिया पत्ता बारीक काट के डालें, और इसे फिर 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दें। देखिए हमारी सब्जी दम हो चुकी है। कितना अच्छा कलर आया है इस सब्जी में। ये रोटी के साथ बहुत अच्छे बनती है। इट्स रेडी टू सर्व। आप इस तरह से सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।